नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेव्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से बनाई गई हमारी महत्वपूर्ण स्लाइड्स, यानी कि हिंदी पर कुछ करंट जो हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं उन पर बात करने का। तो हिंदी के ये 25 क्वेश्चन होंगे जिन पर हम बात करेंगे। और ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? संज्ञा से संबंधित है। कल की स्लाइड में भी हमने संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्नों पर बात की थी, आज उसी के आगे के 25 क्वेश्चन हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञाएं सदा किस रूप में रहती है? ए बहुवचन पुल्लिंग, बी एकवचन पुल्लिंग, सी बहुवचन स्त्रीलिंग और डी एकवचन स्त्रीलिंग। यदि हम क्रियार्थक संज्ञाओं की बात करते हैं तो क्रियार्थक संज्ञाएं सदैव एकवचन पुल्लिंग के रूप में रहती हैं। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सदैव कैसी होती हैं? एकवचन पुल्लिंग के रूप में प्रयोग की जाती हैं। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं जो सदैव पुल्लिंग के रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा हमेशा एकवचन व पुल्लिंग रूप में रहती है। उदाहरण के लिए चलना सेहत के लिए बेहद अच्छा है, यहाँ पर चलना एक क्रियार्थक संज्ञा है और एकवचन पुल्लिंग के रूप में ये दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर दो, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय की यदि हम बात करते हैं तो गाय क्या है? गाय कहीं ना कहीं एक आपकी जाति को प्रदर्शित करती है। जाति किसकी? जो एक चौपाया जानवर है, जो दूध देती है, या कहें कि एक विशेष प्रकार की जो नस्ल है उसकी ओर जो है ये इंगित कर रही है। अगर यहाँ पर मान लो नाम दे रखा होता उसका, गाय का नाम दे रखा होता कि साहीवाल है या आपका कोई और है, तो वो व्यक्तिवाचक की, फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाती। यहाँ पर गाय कैसी है? एक रिप्रेजेंट, एक जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि कैसी है? जातिवाचक संज्ञा में आती है। डिस्क्रिप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, अगली स्लाइड क्या कहती है देखते हैं। लिखा हुआ था जब एक ही, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रकार होगा, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तब हम उसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। एक ही प्रकार की, सॉरी यहां पर व्यक्तियों का बोध कर रखा है तो ये व्यक्तिवाचक होगा, जाति। एक ही वस्तु भी दे रखी है, वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे आप क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जो किसी एक विशेष जाति या एक विशेष व्यक्तियों के समूह की ओर, वस्तुओं के समूह की ओर जो है इंगित करती हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा है, जानवर है, अध्यापक है, बाजार है, पहाड़ है, खिड़की है, आदि शब्द किसके हैं? एक ही प्रकार की वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर चार इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, वे संज्ञाओं से अलग रहती हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं राम, यहां पर संज्ञा है लेकिन ने कैसी है? संज्ञा के अतिरिक्त, यानी कि विश्लिष्ट है। ठीक है, विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, इस तरीके से आपने पढ़ी होंगी, तो विभक्तियां हैं। तो ने टेबल पर लड़कियों को, लड़कों के लिए आदि क्या है? ये जो है आपके विश्लिष्ट की ओर इंगित करते हैं। अगर हम बात करते हैं सर्वनामों के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं, संज्ञा के साथ विश्लिष्ट होती हैं, सर्वनामों के साथ विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात संश्लिष्ट होती हैं, अर्थात मिली हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है? पराया, अपना, जागरण या सभ्य। जागरण यहाँ पर कैसा है? भाववाचक संज्ञा की ओर इंगित करता है।
यानी कि पांचवें का सी आंसर यहाँ पर सही है। जागरण कैसी है? भाववाचक संज्ञा है, जो भाव का बोध कराएं वो क्या होती है? भाववाचक। ठीक है, क्योंकि अगर अन्य विकल्पों की आप बात करते हैं तो सब एक जो है अपना एक सर्वनाम है, इसका विपरीत जो है पराया है। सभ्य का मतलब शिष्ट होता है, ठीक है, अपना पराया ये आपस में कैसे है शब्द विलोम है, सभ्य का मतलब शिष्ट होता है, तो ये भी नहीं है। तो जागरण यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नंबर छह, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है ये दे रखा है। देखिए, सभा समूहवाचक है, कक्षा समूहवाचक है, भीड़ समूहवाचक है, दौड़ कैसी है? क्रियार्थक संज्ञा है। दौड़ कैसी है? एक क्रियार्थक संज्ञा है। यहाँ पर सही आंसर जाएगा आपका डी, ठीक है, दौड़ समूहवाचक नहीं है, अतः विकल्प सही है। समूहवाचक जो किसी समूह की ओर इंगित करती है वो समूहवाचक कहलाती है। सातवां, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्य का बोध कराने वाले, द्रव्य मतलब उसकी प्रकृति का बोध कराने वाले, वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। खटाई, मिठाई, ठंड, ये सब कैसी हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। यदि हम दूध की बात करते हैं तो दूध क्या है? एक द्रव्य है जिसमें लिक्विडिटी यानी कि बहने का गुण पाया जाता है, तो ये किस में जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञाओं में जाता है। वे सभी पदार्थ जिनको मेजरमेंट यानी कि मापा जाता है किलो में, लीटर में, मिलीमीटर में इत्यादि, वो क्या है? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आती है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी किसके लिए बताता है? कावेरी किसी ना किसी पर्टिकुलर नाउन व्यक्ति की ओर इंगित करता है, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही है। कावेरी का संज्ञाभेद कैसा है? यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कावेरी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो सी आंसर वहां पर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? देखिए, हरा, पतला, सभा, गहरा। हरा एक जो है रंग है यानी कि एक विशेषण विशेषता बताता है, पतला भी एक विशेषण है विशेषता बताता है, गहरा भी एक विशेषण है विशेषता बताता है, सभा यहाँ पर एक क्या है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सभा कैसी है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके विशेषण है, और लास्ट वाला भी क्या है? ये भी आपका विशेषण शब्दों में शामिल किया जाता है। तो सही आंसर कौन सा था? नाइन्थ का सी, ठीक है, नाइन्थ का सी आंसर यहाँ पर सही था। क्वेश्चन नंबर टेंथ की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नीचे दिए गए, नीचे को जरा थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप ऐसे पढ़ें। नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। जो भाव को प्रदर्शित करती हैं वो क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अब दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी, ये शब्द कैसे हैं? इनमें दिल्ली एक शहर का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लड़का एक जाति की ओर इंगित करता है, मोहन एक व्यक्तिवाचक है, बीमारी कैसा है? बीमारी का एक भाव होता है, यानी कि 10 का डी आंसर यहाँ पर सही है। बीमारी कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। 11, पशु चल रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा है? पशु चल रहे हैं तो पशु एक जाति की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? पशु। पशु यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अब पशु की यदि बात करते हैं तो पशु में गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, ठीक है, या भेड़ भी हो सकती है, तो ये किसी जाति की ओर रिप्रेजेंट करते हैं, तो पशु यहाँ पर क्या है? आपकी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 11 का भी यहाँ पर सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल की यदि आप बात करते हैं तो राज्यपाल क्या है? राज्यपाल कहीं ना कहीं एक जाति का नाम है। अब उस पर रहने वाले थी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। राज्यपाल क्या है? एक पद का नाम है, और पद क्या है? एक जाति की ओर जो है इंडिकेट करता है, तो राज्यपाल कैसा है? एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी राज्यपाल कैसी है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता या पेड़। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का की बात करते हैं तो जातिवाचक है, पेड़ क्या है? पेड़ भी जातिवाचक है, मित्रता का भाव होता है, मित्रता का भाव होता है, मित्र शब्द है, ता प्रत्यय जुड़ा है, और मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा में
कन्वर्ट हो गई है। तो ये कैसी है आपकी भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है, गरीब विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक है या भाववाचक है। गरीबों की सहायता करिए, गरीब क्या है, गरीबों की जब बात करते हैं तो गरीब एक उन लोगों के बारे में बताता है जो एक सामान्य से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, जो होगा आपका जातिवाचक में जाएगा, किसमें, जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, गरीबों की बात हो रही है, पूरे विश्व के गरीबों की बात हो रही है, तो ये उन सभी लोगों को इंगित करता है जो कि पॉवर्टी लाइन यानी कि जो निर्धनता की श्रेणी है उससे नीचे आते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा है। 15, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कैसा है, बुढ़ापे का भाव होता है, बुढ़ापा है, जवानी है, स्त्रीत्व है, मातृत्व है, ठीक है, यौवन है, ये सब क्या है, ये सभी भाव है, तो बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर उदाहरण है, बुढ़ापा क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का जातिवाचक संज्ञा की ओर इंगित करता है, लड़का कैसा है, जातिवाचक संज्ञा की ओर इंडिकेट करता है, तो लड़का क्या है, यहां पर जातिवाचक संज्ञा को बतला रहा है। 16 का सही आंसर कौन सा होगा, ए, ठीक है, लड़का क्या है, जातिवाचक है। अगला है 17, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, मनुष्य, ये सभी कैसे हैं, ये सभी जातिवाचक संज्ञाओं में आते हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों जातिवाचक हैं, ये दोनों कैसे हैं, जातिवाचक हैं, मनुष्य भी कैसा है, जातिवाचक है। अगर आप सुंदर की बात करते हैं तो सुंदरता का भाव होता है भैया, सुंदरता का क्या होता है, भाव होता है, यानी कि सुंदर कैसी है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, सुंदर क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर सही आंसर जाएगा 17 का सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं हैं, नंबर 1 देखिएगा, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही है, रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही है, गंगा एक नदी का नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, यानी कि सभी शब्द कैसी हैं, संज्ञा को फुलफिल करते हैं। कृष्ण, कामायनी, ये दो नाम है व्यक्तिवाचक में, लेकिन मिठास का भाव होता है, मिठास का एक गुण भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दो व्यक्तिवाचक, एक कैसा है, भाववाचक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। लखनऊ, आम और बुढ़ापा, लखनऊ एक शहर का नाम है, आम एक जातिवाचक यानी कि एक जाति की नस्ल है, बुढ़ापा एक भाव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ममता का एक गुण होता है, ममता एक नाम भी हो सकता है, तो ये व्यक्तिवाचक या भाववाचक हो सकती है। वकील एक जो है आपके, अगर वकील की बात करते हैं तो वकील किस में आएगा, वकील जो है वो आपकी एक जो है वो जाति की ओर इंडिकेट करता है, पुस्तक जो है एक जाति की ओर इंडिकेट करता है, तो ये भी गलत है, तो सही आंसर यहाँ पर ए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट भी है, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द, अगर ये व्यक्तिगत संज्ञाएं लिखता तो और अच्छा रहता, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी वाला होता, संज्ञाएं तो इसमें भी है, संज्ञाएं तो हैं किसी ना किसी में, लेकिन व्यक्तिगत संज्ञाओं की बात करते हैं तो राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी व्यक्तिगत संज्ञाओं में शामिल होते हैं, तो सही आंसर 18 का ए। लिखा हुआ है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ समुद्रगुप्त भाई एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है, जब किसी का नाम दे रखा होता है तो वो कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, यानी 19 का सही आंसर क्या होगा, 19 का सही आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए 20 की ओर बढ़ते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, देखिए बाहवाई, निकट, कठोरता, अपनापन, अपनापन का भाव होता है, कठोरता का भाव होता है, वाहवाही करना, जो किसी की वाहवाही करना यानी कि जो है भाव है, निकटता का जो होता है वो एक गुण होता है, निकटता का भाव नहीं होता, निकट यहाँ पर संज्ञा सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है।
क्योंकि निकट एक अव्य का उदाहरण है। निकट क्या है? एक अव्य है, ठीक है। कठोरता, अभाव, ये अपनापन, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरणों में शामिल किए जाते हैं। 21, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। देखिएगा, अमीर, गरीब, ये कैसे हैं? जातिवाचक है। समूह तो समूहवाचक होगी। मिठास भाव, तो पहला वाला गलत हो गया, पहला वाला गलत है। दूसरा, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, गंगा का नाम आ गया यानी व्यक्तिवाचक हो गई, गलत हो गई। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापार, उन्नति, ये सभी भाव हैं, तो ये सही आंसर होगा। लेकिन डी देखिएगा, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, सूर्य एक ग्रह का नाम है, एक तारे का नाम है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम आ गया, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी कि सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? सी। 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जाति की ओर जो कर रहा है, तो यदि जातिवाचक की बात करते हैं तो यहाँ पर कामायनी है, आम है, रसीला है या वकील है। कामायनी एक कहें कि ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक है तो नहीं है। आम एक जातिवाचक जो है, आम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। रसीला एक भाववाचक है तो ये भी नहीं है। वकील एक समूह की ओर इंगित करता है, और वकालत उसकी क्या होती है? भाव होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो बकी आम होना चाहिए, क्योंकि आम में बहुत सारी वैरायटी की यदि हम बात करते हैं, मान लो इसमें आपका होता अल्फांसो, होता नीलम, होता दशहरी होता, तो ये सब कैसे होते हैं? ये सभी कहीं ना कहीं जो है आपके व्यक्तिवाचक में चले जाते हैं। लेकिन आम एक जाति के लिए एक फल की विशेष प्रजाति की ओर इंगित कर रहा है, तो ये यहाँ पर जातिवाचक में जाएगा। यहाँ पर वकील शब्द को सही माना गया है, यहाँ पर वकील शब्द को भी सही उत्तर माना गया है, यहाँ पर वकील को सही माना गया है। कारण क्या है जरा देखते हैं। वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वकील का भाववाचक संज्ञा वकालत है। अच्छा, तो वकील भी यहाँ पर सही है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो वहां पर आम भी सही था। आम को भी हम जो है जातिवाचक संज्ञा में ही रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। आम भी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। यदि नाम होता इसमें किसी पर्टिकुलर उसकी वैरायटी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, वरना आम क्या है जो है जाति को रिप्रेजेंट करता है, सही है। अब यहाँ पर वकील जो है वकालत यानी कि जातिवाचक संज्ञा होगी, तो यहाँ पर आम और वकील दोनों ही सही आंसर होने चाहिए। बाईस का डी। 23, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। पुराना, नीला, मोटा, ये सभी क्या है? ये सभी गुण है यानी कि ये सब विशेषण है। यहाँ पर गंगा एक नदी का नाम है, तो गंगा यहाँ पर कैसी है? एक संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सही आंसर जाएगा 23 का ए, ठीक है। चलिए 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? देखिएगा, मीठा का भाववाचक यदि हम मनाएंगे तो इसमें मिठास शब्द बनेगा। कौन सा? मिठास, जो है प्रत्यय लगाने से, मीठा शब्द में आस प्रत्यय लगाने से क्या है वो भाववाचक से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगा। मिठाई जो है जातिवाचक संज्ञा की ओर इंडिकेट करेगा। मीठी और मधुर ये सभी गुण होंगे, ये विशेषण में आएंगे। मिठास कैसी है? भाववाचक संज्ञा में जाता है, यानी कि 24 का बी आंसर सही है। मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास होगी। और अंतिम क्वेश्चन, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता का भाव होता है, यानी सुंदरता कैसी है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि 25 की सही आंसर होगी आपकी डी। 25 का सही आंसर है आपका डी, यानी कि सुंदरता कैसा है? एक भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है। तो ये थे संज्ञा से संबंधित 25 क्वेश्चन, जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।